हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन पीएमएस ऑनलाइन क्लास। माई सेल्फ लोकेश, लोकेश चाहर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने बातें की थी कि एक वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है या फिर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। आपने देखा कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज लेते हैं एक लाइन सेगमेंट को, और उस लाइन सेगमेंट के एक एंड पर एरो का सिंबल लगा होता है, और लाइन सेगमेंट के जिस एंड पर एरो का सिंबल होता है उसे हम कहते हैं हेड, और दूसरे एंड को कहा जाता है टेल। फिर बच्चों, आपने देखा कि लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होती है वो रिप्रेजेंट करती है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। अगर किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ कम है, इट मींस उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कम होगा, और अगर किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ ज्यादा है, इट मींस उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। और लाइन सेगमेंट पर लगा हुआ एरो का सिंबल बताता है उस वेक्टर की डायरेक्शन को। ये चीजें आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, की वेक्टर के कौन कौन से टाइप है और इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विवेलेंट वेक्टर्स पर, कि कौन से वेक्टर्स है वो इक्विवेलेंट होते हैं। दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम आर कॉल्ड इक्विवेलेंट वेक्टर्स। देखिए, आप इस चीज को कुछ ऐसे समझिए, आपके पास दो वेक्टर हैं, एक पहला वेक्टर है ए वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। अगर ये दोनों वेक्टर इक्विवेलेंट वेक्टर है, इट मींस इनके पास क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होगी, सेम होगी। प्रीवियस वीडियो में आपने बातें की थी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड किससे डिनोट होता है। मैग्नीट्यूड डिनोट होता है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। तो यहां पर ये जो दोनों लाइन सेगमेंट है, अगर इन दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल होगी, इट मींस इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, और इन पर लगा हुआ एरो का सिंबल किसको बताता है, एरो का सिंबल बताता है डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर्स। तो बच्चों देखिए, आप यहां पर ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स में लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। और यहां पर देखिए, आप दोनों ही लाइन सेगमेंट पर जो एरो का सिंबल है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक दूसरे के पैरेलल। इट मींस यहां पर इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम है। तो वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट वेक्टर्स कहा जाता है। तो यहां मैं कहूंगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्विवेलेंट वेक्टर्स है। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंट वेक्टर्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर हम चलते हैं अनइक्वल वेक्टर्स पर। इफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स आर सेम बट डायरेक्शन आर डिफरेंट आर कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, ऐसे वेक्टर्स, ऐसे कोई टू वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। इट मींस देखिए कैसे, मैग्नीट्यूड को कौन बताता है, लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। मैग्नीट्यूड सेम है मतलब दोनों वेक्टर्स की लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है वो क्या है, वो सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। इट मींस एरो जो होगी वो कुछ वेक्टर्स कुछ यहां ऐसे है, अगर एक दूसरे के पैरेलल होते मतलब डायरेक्शन दोनों की सेम होती और वो कहलाते इक्विवेलेंट वेक्टर।
लेकिन यहां पर इन दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। इट मींस ये कौन से होंगे, ये अनइक्वल वेक्टर्स होंगे। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये अनइक्वल वेक्टर्स होंगे। नेक्स्ट है कि इफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स आर डिफरेंट बट डायरेक्शन आर सेम, अगर ऐसा हो जाए कि दो वेक्टर्स हैं उनका उनकी डायरेक्शन तो सेम है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। यहां देखिए आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और दोनों की डायरेक्शन सेम है। कैसे पता चली, दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। कहां से पता चला, मैग्नीट्यूड बताता है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, और यहां पर लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। इट मींस ये कौन से वेक्टर्स होंगे, ये अनइक्वल वेक्टर्स होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ ऑफ टू वेक्टर्स आर डिफरेंट, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि दोनों वेक्टर हैं उन दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी अलग हो और डायरेक्शन भी अलग हो। यहां देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है वेक्टर बी से और इनकी डायरेक्शन भी अलग अलग है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही डिफरेंट है, तो भी ये वेक्टर्स कौन से होंगे, अनइक्वल वेक्टर्स होंगे। फिर हम चलते हैं अपोजिट वेक्टर्स पर। व्हेन टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शन आर डिफरेंट, यहां देखिए आप अपोजिट वेक्टर्स जो हैं वो कैसे होंगे कि इनके मैग्नीट्यूड हैं वो सेम होंगे। यहां पर डिफरेंट की जगह मैं वर्ड यूज लेऊंगा अपोजिट, डिफरेंट की जगह वर्ड यूज लेंगे अपोजिट। देखिए कैसे, अगर दो वेक्टर्स हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और यहां देखिए इन दोनों वेक्टर्स के लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल है, इट मींस इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर की तरफ है और वेक्टर बी की डायरेक्शन इधर की तरफ है। इट मींस ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो वेक्टर्स अपोजिट वेक्टर होंगे। इन दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस देखिए, आपने एक डेफिनेशन पहले भी देखी थी, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर सेम, वहां भी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट डायरेक्शन आर डिफरेंट। यहां तो डायरेक्शन डिफरेंट थी तो अनइक्वल वेक्टर्स था, लेकिन यहां पर डायरेक्शन अपोजिट है तो अपोजिट वेक्टर है। डिफरेंट होने का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, एक इधर है दूसरा यहां है या फिर यहां है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अपोजिट होने का मतलब है एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स है लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। नेक्स्ट देखिए, यूनिट वेक्टर्स, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, यूनिट हो, उसे क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर वेक्टर इज आर, देखिए जब भी कभी वर्ड आ जाए वेक्टर का तो वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से आर वेक्टर, इसे बोलेंगे आर वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होगा, कोई भी किसी भी आप आपके इंग्लिश के कोई भी लेटर से, इसे बोलेंगे ए वेक्टर, ये है आर वेक्टर, ठीक है। लेकिन जो यूनिट वेक्टर है उसको कैसे डिनोट किया जाता है, जैसे आर ही है और मैं आर को यूनिट वेक्टर में लिखना चाहता हूं तो यूनिट वेक्टर में कैसे लिखूंगा, आर के ऊपर कैप का सिंबल लगाया जाएगा, इसे बोलते हैं, ये देखिए आर के ऊपर एक टोपी लगी हुई है ना, इसे बोलेंगे आर कैप। यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं, आर कैप, या फिर इसको और भी सिंबल और किसी वर्ड से यूज ले, ए कैप, के कैप, जे कैप, आई कैप, ठीक है, इन्हें कैप बोला जाता है यूनिट वेक्टर्स को। और ये जो सिंबल होगा वो वेक्टर का है, ये सिंबल यूनिट वेक्टर का है। लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर वेक्टर इज आर, एक वेक्टर है आर वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर है। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं होती
वेक्टर में डायरेक्शन होती है तो वेक्टर के सिंबल में डायरेक्शन डिनोट की है, और इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसमें डायरेक्शन का सिंबल नहीं लगेगा। फिर देखिए यहां पर क्या है कि डिवाइडिंग ए वेक्टर, वेक्टर का मतलब क्या है, आर वेक्टर, डिवाइडिंग ए वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन। अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दिया जाए तो हमारे पास कौन आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा। देखिए कैसे, यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे, आर कैप से। तो एक वेक्टर है आर वेक्टर, उसमें डिवाइड किसका दिया, उसके मैग्नीट्यूड आर का, तो हमारे पास कौन आया, यूनिट वेक्टर आया। या फिर मैं वेक्टर फाइंड करना चाहूं तो आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू है आर डॉट आर कैप। तो मैं लिख सकता हूं दिस वे ए वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर, या यूं कहूं कि कोई भी वेक्टर है वो इक्वल होता है उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलिनियर वेक्टर्स के बारे में कि कॉलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं। सच वेक्टर्स दैट आर अलोंग वन लाइन आर कॉल्ड कॉलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। देज वेक्टर्स कैन बी इन द सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट, मतलब वो वेक्टर्स जो एक ही लाइन के अलोंग हो, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो, लाइक दैट। अगर इन दोनों वेक्टर्स की बात करूं मैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात, तो ये एक दूसरे के साथ कॉलिनियर वेक्टर्स होंगे। और ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये सेम डायरेक्शन में है, एक ही लाइन के अलोंग है। और ये दोनों है जो सी वेक्टर है और डी वेक्टर है, ये भी कॉलिनियर वेक्टर होंगे, लेकिन ये कौन सी डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए सी की डायरेक्शन कुछ और है और डी के डायरेक्शन कुछ और है। नेक्स्ट है जीरो वेक्टर्स, द वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे। और जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, जीरो वेक्टर बोला जाता है इसे। और जीरो वेक्टर के बारे में एक और खास बात है कि अगर कोई भी वेक्टर से जीरो वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए देन अपने को हमेशा जीरो वेक्टर ही मिलेगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में आपने देखा है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कौन कौन से टाइप्स के वेक्टर होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।